हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केजे रिवॉल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का लेक्चर 2, जिसमें हम देखेंगे, देखो जो मेथड है उनको देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन मोस्टली कितने मेथड से होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात बोलूँ तो इसमें ज़्यादा कोई मेथड नहीं लगते हैं, 3 मेथड लगते हैं। जितना हमने देखो, जो हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ाए हैं वहाँ हम इन सारे मेथड का बहुत डीप डिस्कशन कर चुके हैं। क्लियर? अब तो हमें केवल इन मेथड्स पर डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे अप्लाई होता है बस वो देखना है। क्लियर? मेथड क्या होते हैं ये हम बहुत डीप डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन क्या देखना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन इन मेथड की हेल्प से कैसे सॉल्व होता है, केवल इतना सा पोर्शन अब हमें डिस्कस करना है। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले मेथड हमारे कितने पोर्शन में है? 3 मेथड थे। ठीक है, एक सब्स्टिट्यूशन, एक बाय पार्ट्स और एक पार्शियल फ्रैक्शन, जिसके बारे में हम बहुत डीप डिस्कशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कर चुके हैं। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? ये फर्स्ट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाय पार्ट्स से कैसे करते हैं फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन देखेंगे। क्लियर? तो आज स्टार्ट करते हैं कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर? ये डिस्कस करना है, तो आइए करते हैं पहला क्वेश्चन। क्लियर? तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। आई इज इक्वल टू, इंटीग्रेट करना है हमें फ्रॉम 0 to 1 2x/3x² प्लस में 1 और dx। क्लियर? तो यहां पर अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को क्या करेंगे, अप्लाई। आपको पता है इसको हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। ठीक है, लेट 3x² + 1 इज इक्वल टू t। क्लियर? अब डेरिवेटिव करते हैं तो यहां पर 6x(dx) बराबर क्या होगा हमारा, dt। तो यहां से x(dx) = 1/6 और dt होगा। क्लियर? लेकिन अब याद रहे आपको यहां पर क्या होता है, इसके हम दो मेथड, दो अप्रोच डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो हमारा पहला ही अप्रोच इस साइड डिस्कस करेंगे, एक उस साइड अभी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो ऐसा करते हैं, अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई इज इक्वल टू 0 to 1, अभी हमने आप देख लें लिमिट पे कोई भी फोकस नहीं किया, जो भी थी वही लगा, लेकिन आपको पता है ये लिमिट किसकी है, x की लिमिट है। ओके, x = 0 to x = 1। ठीक है, हाँ, तो अब लेकिन फंक्शन हमारा t में कन्वर्ट हो गया है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, तो 2 तो आपका बाहर आएगा और x(dx) को आप क्या लिख सकते हैं, 1/6 और dt और 1/, इसको सारे पोजिशन को आपने t सब्स्टिट्यूट कर लिया है। क्लियर? तो I इज इक्वल टू आपका क्या होगा, 1/3, 0 to 1 और t और dt। क्लियर? तो आप सभी को पता है, सॉरी, 1/t। ओके, तो 1/x का डेरिवेटिव लॉग x होता है, इसी सॉरी इंटीग्रेशन, तो इसलिए 1/3 लॉग t और लिमिट अभी भी 0 to 1 चलेगी। अब आप बताइए क्या हम लिमिट ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर? क्योंकि जो यहाँ पर लिमिट है वो किस चीज की है, एक्स की, और यहाँ पर फंक्शन हमारा किस चीज में है, टी में। तो कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि लिमिट किसी और चीज की और फंक्शन कोई और आप सब्स्टिट्यूट कर दें, आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, ये ध्यान रहे आपको। क्लियर? और इसीलिए इसका जो सेकेंड अप्रोच है, ये तो हमारा फर्स्ट अप्रोच है। क्लियर? ये हमारा फर्स्ट जो अप्रोच है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्लियर? लेकिन जो इसका सेकेंड अप्रोच है वो इससे भी बहुत अच्छा अप्रोच है, जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं। क्लियर? इसलिए मैंने आपके साथ दोनों अप्रोच डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि आगे से आपको इस टॉपिक में कभी भी कंफ्यूजन ना हो। क्लियर? तो देखते हैं, तो अभी तो एक्स की लिमिट और टी है, तो क्या करें, एक काम करते हैं, वापस से फंक्शन को हम एक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर? तो टी का वैल्यू वापस से सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो आपका क्या होगा, 1/3 इंटीग्रेट और सॉरी लॉग, और टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था तो कर दीजिए क्या है हमारा, 3x² + 1। ओके,
और अब लिमिट क्या है, 0 to 1। तो हाँ, अब लिमिट को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन भी एक्स में है और लिमिट भी हमारे किसकी गिवन है, एक्स की ही गिवन है। तो अब आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको मिल जाएगा, अब देख लें, सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या मिलेगा, 1/3, और लगाएं आप अपर लिमिट लगाएं तो 3 + 1, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा ना, तो 3 + 1, तो आपको क्या मिलेगा, log 4 माइनस log 0 सब्स्टिट्यूट कीजिए तो केवल 1 मिलेगा। और आप सभी को पता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया ना, अब आप सभी को पता है कि 1/3 और log 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और log 1 का वैल्यू 0 होता है, क्लियर। और 2 आपका आगे आएगा तो क्या होगा, 2/3 और log 2, तो ये हमारा इंटीग्रेशन का आंसर होगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का, क्लियर। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, क्लियर। तो ये तो भाई फर्स्ट अप्रोच हो गई, इसकी सेकंड अप्रोच क्या होगी, तो आइए उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड अप्रोच यहाँ के बाद आती है, क्लियर। तो सेकंड अप्रोच भी डिस्कस कर लेते हैं, सेकंड अप्रोच हमारी क्या है, ओके। तो क्या है, कुछ नहीं कि यहां पर जैसे ही हमने फंक्शन को टी में कन्वर्ट किया, क्यों ना हम लिमिट को भी टी में कन्वर्ट कर लें, इससे बेनिफिट क्या हुआ, देखो ये क्वेश्चन छोटा था इसलिए हमें टी का वैल्यू रखने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन अगर फंक्शन इनवर्स है या और भी तरीके के फंक्शन है तब दिक्कत आ जाएगी। तो क्यों ना हमें ऐसा कोई तरीका मिल जाए जिससे हमें वापस से इसको एक्स में कन्वर्ट नहीं करना पड़े। तो इसके लिए ये सेकंड अप्रोच है जिसमें हम क्या करेंगे, फंक्शन को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसी के साथ लिमिट को भी क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। अगर फंक्शन टी में जा रहा है तो लिमिट को भी हम किस में रखेंगे, टी में ही रखेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, हमने किसको टी माना, हमने माना 3x² + 1 को टी माना। तो देखो फ्रॉम व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, जब एक्स का वैल्यू 0 है तो यहां पर रखिए, तो t का वैल्यू क्या आएगा, 0 + 1, दैट इज t इज इक्वल टू 1। मतलब अगर x का वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू 1 आया। अब अगर x का वैल्यू 1 है, इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए तो t का वैल्यू 4 आएगा। मतलब अब लिमिट भी हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई, क्लियर। तो अब फ्रॉम 0 to 1 ना लगा के हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम 1 to 4। तो देखो लगाइए, तो i इज इक्वल टू, यहीं के बाद स्टेप चल रहा है, ठीक है, 2/6 आया था और इंटीग्रेशन 1/t और dt, लेकिन पहले लिमिट 0 to 1 चला रहे थे, अब हम लिमिट क्या चलाएंगे, 1 to 4। तो यहाँ पर जो लिमिट है वो किसकी है, t की ही है, क्लियर। इसलिए अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, 1/3 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है और 1 to 4, तो 1/3 लगाएं आप अपर लिमिट तो log 4 माइनस की log 1, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, 1/3 इसको आगे ले जाए तो log 2 आएगा, क्लियर। अभी हाल आप हम लोग करा चुके हैं इसको सॉल्यूशन, क्लियर ना, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो ये कितना इजी अप्रोच है, ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, ठीक है, हो दोनों से जाएगा, लेकिन फिर मैं बोलूंगा इजी अप्रोच जब हमें दोनों आते हैं तो क्यों ना इजी अप्रोच हम चुने, डिफिकल्ट क्यों चुने, क्लियर है ना। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, क्लियर, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, आप लोग ट्राई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कैसे करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंपल है लेकिन आप लोगों को एक बार देखना चाहिए, ठीक है। I इज इक्वल टू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to π/2 और cos θ अपॉन में 2 + sin θ और dθ, क्लियर, इतना चीज क्लियर है सारे बच्चों को, हाँ। तो इसको करना है, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें हम बताइए, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें, कुछ नहीं, आप नीचे वाले को t सब्स्टिट्यूट कीजिए क्योंकि उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया है, क्लियर। तो आप देखें 2 + sin θ
को हमने टी मान लिया, क्लियर। तो यहां से इसका डेरिवेटिव जीरो, इसका डेरिवेटिव कॉस थीटा और डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पे हमें कॉस थीटा और डी थीटा का वैल्यू क्या मिल गया, डी टी मिल गया, क्लियर। तो अब लिमिट को भी कन्वर्ट कराना पड़ेगा। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो देन टी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, टू। एंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो साइन पाई बाई टू का वैल्यू वन होता है, तो टू प्लस वन थ्री होगा, तो थ्री, क्लियर। लिमिट भी चेंज हो गई, फंक्शन भी चेंज हो गया, अब हम आगे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लिमिट अब फ्रॉम टू टू थ्री चलेगी, ठीक है। और इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, डी टी अपॉन में ये क्या है, टी। तो वही अप्रोच हो गई, आई इज इक्वल टू आपका क्या होगा, लॉग टी वन अपॉन टी का लॉग टी इंटीग्रेशन टू फ्रॉम टू टू थ्री, ठीक है। अपर लिमिट लगाए तो लॉग थ्री माइनस के लॉग टू, ओके। एम अपॉन एन का फॉर्मूला लगेगा तो लॉग थ्री बाई टू आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, क्लियर। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है, कर लिया। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर लिमिट जीरो टू आपका यहां पर होगा पाई बाई फोर, क्लियर, ठीक कर लेना, पाई बाई फोर होगा, ओके। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्या है हमारा थर्ड जो क्वेश्चन है वो क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेट करना है फ्रॉम जीरो टू पाई बाई फोर, और क्वेश्चन है हमारा sec स्क्वायर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ओके। तो क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं हम यहाँ पर tan थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू टी, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता हमारा, sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया, फंक्शन तो चेंज हो गया हमारा, अब हमें वो कन्वर्ट कराना है लिमिट को। तो थीटा इज इक्वल टू जीरो देन टी इज इक्वल टू जीरो देन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो टी का वैल्यू क्या आएगा, वन आएगा, यहाँ पे रखिए पाई बाई फोर वन आएगा ना, टेन पाई बाई फोर का वैल्यू वन। तो बस अब लिमिट को चेंज कराइए, जीरो टू वन लगेगा, और इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, डी टी लिख सकते हैं, वन अपॉन वन प्लस टेन थीटा है टी, तो टी का स्क्वायर, ओके। अब आप सभी को पता है वन अपॉन इसका इंटीग्रेशन टेन इनवर्स टी होता है, और जीरो टू वन अपर लिमिट लगाएं आप तो क्या आएगा, टेन इनवर्स वन और माइनस टेन इनवर्स जीरो, तो आप सभी को पता है इसका वैल्यू पाई बाई फोर, इसका वैल्यू जीरो, तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, पाई बाई फोर, क्लियर ना, आया ना आप सभी को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डेफिनेट इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, क्लियर। बहुत इंटरेस्टिंग मेथड है और इजी मेथड है, क्लियर। बेसिक मैंने आपके साथ दोनों अप्रोच डिस्कस की हैं, आपको जो भी अप्रोच बेनिफिट, मेरा सजेशन है सेकंड अप्रोच से हमेशा कीजिएगा, आप लिमिट भी चेंज कर लीजिएगा, यही बेस्ट अप्रोच है, क्लियर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें के जे रेवोल्यूशन, के जे रेवोल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।